ठंड के मौसम में पालक बहुत ही अच्छी मिलती है मार्केट में, तो आज हम इस पालक के साथ ही बनाएंगे पालक पनीर की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे और ये झटपट बनके तैयार भी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑथेंटिक आहार में। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसी बीच मैंने पालक को 2 से 3 बार धो लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है। आप छोटे साइज़ के पालक या फिर बेबी स्पिनच ले रहे हैं तो डंठल ना तोड़ें, और अगर पालक थोड़ी बड़ी है तो उसके डंठल को तोड़ के ले लें। अब पानी के गर्म होते ही मैंने इसमें सारे पालक डाल दिए हैं। याद रखें, मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। हमें पालक को अच्छी तरह से पानी में डुबो देना है ताकि ये पक जाए। याद रखें, पालक को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए, अब इसका कलर चेंज हो गया है तो मैं अब गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और अब ये हम बड़ी सावधानी से पालक को गर्म पानी से निकालकर बर्फ़ के पानी में डालेंगे। हम इसलिए पालक को ठंडे पानी या फिर बर्फ़ के पानी में डालते हैं ताकि इसका पकना बंद हो जाए और इसका कलर सही रहे। देखिए, मैं यहाँ पर पालक को मिक्सर जार में डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी थिक चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर छोटे से अदरक के टुकड़े को ले रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्चों को मैं यहाँ पर तोड़ के ले रही हूँ। मैं यहाँ पर मिर्च का इस्तेमाल ग्रेवी में तीखेपन के लिए कर रही हूँ। अब इसका एक तरतरा सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। देखिए, ये पेस्ट तैयार है तो इसे साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर कढ़ाई रखी है और इसमें 1 टेबलस्पून घी ले लिया है। घी के थोड़े मेल्ट करते ही मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, 1 से 2 लाल मिर्चें डाल रही हूँ। साथ ही 5 से 6 लहसुन की कलियों को मैंने चॉप करके ले लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन नहीं हो जाते। याद रखें, हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन नहीं, गोल्डन ही करना है। इसी स्टेज पे मैं एक मीडियम साइज़ के प्याज को काट के ले रही हूँ या फिर मैंने चॉप करके ले लिया है, और इन्हें भी हमें चलाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। याद रखें, हमको इन्हें ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा। आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और अब देखिए, नरम हो गए हैं तो मैं एक मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके डाल रही हूँ। आप यहाँ चाहें तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। अब इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसी स्टेज में मैं हल्का सा नमक डालूँगी ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी जल्दी पकनी शुरू हो जाएं। साथ ही मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून डालूँगी हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर। और अब हम इन सारी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। याद रखें, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें क्योंकि ये हमारे पाउडर मसाले हैं तो ये जल्दी पक जाते हैं। बस इन्हें हमें थोड़ी देर ही चलाना है एक साथ। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि टमाटर और प्याज और थोड़े नरम हो गए हैं, तो आपको इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने जो पालक का पेस्ट बना के रखा हुआ था यहीं पे डाल देंगे और इसे हमको मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाना है। याद रखें, मैं यहाँ पर पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये ग्रेवी जब गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है तो ये थोड़ी छिटकती है, तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। याद रखें, हमने पहले भी नमक डाला हुआ है या फिर आप एक साथ इसी स्टेज पर भी नमक डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्रीम ऐड नहीं करूँगी। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए, इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को क्यूब्स में काट के ले लिया है। इसे ग्रेवी में डाल देंगे और ग्रेवी में डालने के बाद इसे ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमारी पालक ऑलरेडी पके हुए हैं, तो आपको इसे पनीर के साथ मिला लेना है और बस कुछ ही देर ही इसे पकाना है। यहाँ पर मैंने पनीर को पालक के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है और इसी स्टेज पर ही हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या फिर घर का बना हुआ भी। गरम मसाला मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून लिया है। गरम मसाले को डालने के बाद एक साथ इन सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। याद रखें, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें, बिल्कुल हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो ग्रेवी जल जाएगी। मसाले को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद 2 से 3 मिनट ही हम इसे पकाएंगे, पनीर थोड़े नरम हो जाए। बस अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे सर्व करें।
रोटी, नान, फुलके के साथ। आप देख सकते हैं पालक पनीर की सब्जी कितनी अच्छी बनी है, इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे और मुझे बताएं कि कैसे बनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।